पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल आप लोग राजभवन मार्च निकालने जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगी? कल के राजभवन मार्च का जो मुख्य प्रमुख मांगे हैं हम लोगों का, 14 सूत्री मांग है, सारे किसान से संदर्भित मांग है हम लोगों का। अभी आप देख रहे होंगे लगातार किसान आंदोलन देश स्तर पर भी चल रहा है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो लगातार अभिनय में, वास्तविक में जब प्रधानमंत्री हुए, अभिनय में लगातार हमारी यूपीए की सरकार थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल प्रसाद जी के समर्थन से जब सरकार थी, तो सरकार को लगातार कोसा जा रहा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। एमएसपी माने संपूर्ण लागत का 1.5 गुना। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले मैनिफेस्टो में सबसे सूची में ऊपर है इनका शुमार है किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा, किसानों की आय को 2 गुनी वर्ष 2022 तक करेगी। हम नहीं, ये उन्हीं का है। क्या हो गया एमएसपी? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कि अकल पर हमको सवाल है, डिग्री पर तो सवाल था ही था, पूर्व से हमारे सहयोगी जो भी हैं इंडिया गठबंधन के साथी डिग्री आज तक मांगते रहे, लेकिन उन्होंने देने का काम नहीं किया। किस विश्वविद्यालय में पढ़े, किसका छात्र आज तक पता नहीं, लेकिन वो किस आंकड़ों से, मैं आंकड़ों से बात करना चाहूँगा। कल भी इसी पर हमारा एक आंदोलन है राजभवन मार्च, और चरणबद्ध आंदोलन है। कल से मेरा किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के आंदोलन का शुरुआत है। इन्होंने इनका इनका जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके बाकायदा इन बातों को कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी जब हम एमएसपी को कानूनी दर्जा दें। अरे भाई, तब आपको तब ज्ञान छोटा था क्या? जब आप मुख्यमंत्री थे तब ज्ञानी थे कि प्रधानमंत्री बने तब अज्ञानी हो गए? ये बताना चाहिए इनको। तो इन सारे सवालों को लेकर के ये राज्य दर राज्य चुनावी राज्य में जाते हैं। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जाकर के इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा कि हमारी सरकार बनी तो धान की खरीदगी 3175 रुपये कुंटल करी जाएगी। जो भी हो, जो भी रहा हो, हम सम्मान करते हैं जनादेश का। सरकार बनी, क्या हम समझते हैं कि आप चुनावी राज्य के प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश का है? मीडिया के साथियों, आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार देश में है कि नहीं है? बिहार प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया वक्तव्य देश स्तर पर लागू होगा या चुनावी राज्यों में होगा? देश के प्रधानमंत्री हैं कि चुनावी राज्य के? बिहार के मतदाताओं का मत चाहिए प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो क्लियर कर दें। अब सवाल है कि ये अकल के इतने दुश्मन इनके हैं लोग कि इन्होंने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि 17 लाख करोड़ की क्षति होगी। अरे भाई, 17 लाख करोड़ का क्षति होगा? 17 लाख करोड़ जो पूरे फसल का जो लागत का कीमत है पूरे भारत का वर्ष का, उसका कीमत 17 लाख करोड़ है। आप एमएसपी अगर दे रहे हैं तो ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं कि 17 लाख करोड़ का घाटा तब होगा जब पूरे फसल को आप खरीद करके 17 लाख करोड़ में किसी गोदाम में रख करके उसको आग के हवाले आप कर दीजिएगा, तब ना देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। अब हम आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अब आपको सारे फसलों को की खरीदगी का तो मामला है नहीं। आप अगर मान करके चलिए गेहूँ की कीमत बाजार में जब गिर चुकी है तो 2000 रुपये प्रति क्विंटल, एक उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं, नज़ीर मेरा, तो आप उसको 2200 रुपये क्विंटल, 2500 रुपये, 2300 जो भी हो खरीद लेते हैं, तो 2300 रुपये क्विंटल आप अगर आप खरीद लेते हैं गेहूं को, आप अपने जेब से दिए 300 रुपया प्रति क्विंटल। अब इसको खरीदने में मात्र 47,000 करोड़ का लागत इनको सरकार को लगा है। तो आप ये ना कहिए कि 47,000 करोड़ अतिरिक्त हमको लगा है, आप गुमराह कर रहे हैं। अज्ञानी प्रधानमंत्री है, पूरी तरह से अज्ञानी प्रधानमंत्री है। मैं पूरे जवाबदेही के साथ इस बात को मैं कह सकता हूँ, या तो अज्ञानी है प्रधानमंत्री, या वो आकर के कहे कि हम ज्ञानी हैं
तो जानबूझ करके आप देश को गुमराह, देश के किसानों के साथ धोखा, देश के किसानों को आप गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मोदी तो कहते हैं कि किसानों के लिए हम बहुत काम किए हैं, किसानों के लिए ऑफर भी दिए हैं। हाँ, आप कह रहे हैं किसान के लिए कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ 2022 में 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई, जो लगातार वर्षों से धरना पर बैठे हुए थे, जिनका आंदोलन चल रहा था MSP की मांग को लेकर। MSP समेत कई प्रमुख मांगें शामिल थी। इन्होंने आकर के कहा कि हमारे तपस्या में शायद कुछ कमी। अरे भाई, तपस्या में कमी का ज्ञान जब अब मिला, अगर यह बात शुरुआती दिनों में आप कह देते तो जो 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई, मैं शहादत कहता हूँ शब्द का इस्तेमाल, तो वो नहीं होती, उसको उनकी जान को बचाया जा सकता था। एक फिर इन्होंने एक कमेटी बना दिया MSP पर, आपको भी मालूम है, आप वादा किए तो अब तक कमेटी का रिपोर्ट तक सार्वजनिक आप नहीं कर पाए हैं, तो MSP का दर्जा तो दूर की कौड़ी है। आप बताइए, 10 वर्षों का वक्त बहुत कम होता है क्या? आपके सवालों का जवाब साथी मैं दिया कि नहीं दिया, पहले बतावे आप। प्रधानमंत्री के अपने वादों में विरोधाभास है, वादों और कथनी करनी दोनों में विरोधाभास है। तो इन सारे मांगों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ कल हजारों की संख्या में पटना की सड़क पर हम लोग उतरेंगे, राजभवन मार्च करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे, ट्रैक्टर जुलूस भी निकालेंगे, एक दिवसीय धरना का भी कार्यक्रम है चरणबद्ध आंदोलन के तहत। जब तक सरकारें नींद से नहीं जागेगी और हम लोगों के तमाम मांगों को मानने को विवश नहीं होगी, किसानों के हित में फैसले उनके द्वारा नहीं लिए जाएंगे, तब तक यह हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। लेकिन क्या लग रहा है कि कल आप लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, जिस तरह से देखा जाता है तो लाठीचार्ज होकर कुछ लोग घायल हो जाते हैं, क्या आप पूरे वादा के साथ कह सकते हैं कि हम राजभवन मार्च कर लेंगे? राजभवन मार्च करना संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में जो प्रावधान है उसके आलोक में हम लोग कल राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। बाकी बिहार के 14 करोड़ जनता देखेगी, जो संविधान में प्रावधान है अहिंसक तरीका से ही तो हम जा रहे हैं। लेकिन पुलिसिया दमन चाहेगी करना तो हम भी नहीं जानते हैं कि अंजाम पूरे देश स्तर पर किसान जब उग्र होंगे तो अंजाम हमको ही पता नहीं कि क्या होने वाला। कितने लोग कल रहेंगे? कल 20,000 से अधिक लोग रहेंगे। कहां से कहां तक निकलेंगे? हम लोग यहां से, यहीं से पार्टी ऑफिस से ही, बिलर हाई स्कूल, ये सब यहां सब लोग इकट्ठा होंगे। यहां से हम लोग 14 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें प्रमुख मांग MSP है, कई सारी मांगे हैं जिनको हम लोग कहें तो मुद्दतें बीत जाएगी। ये सरकार किसानों के साथ अपने ही वादों के साथ साथ लगातार छलावा कर रही, ये देते हैं स्वामीनाथन जी को दे दिए भारत रत्न, ठीक है स्वागत है, लेकिन अगर स्वामीनाथन आज होते तो कहते अरे छोड़ो यार, ये रतन वतन छोड़ो, तुम किसान को उचित ये कीमत दे दो, ये रतन वतन कभी दे देना हमको। चौधरी चरण सिंह जी आज होते तो उनका वो विवाहक आदमी थे, किसानों के सबसे बड़े नेता थे, तो आज कहते कि रतन वतन तो रख लो ही, पहले हम लोगों के द्वारा जो कमेटी गठित हुई कई, उसकी सिफारिशों को लागू कर दो किसान हित में। तो मेरा उद्देश्य तो यह है, आप एक बार कहते हैं कि आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी और रिपोर्ट स्वामीनाथन जी का है, तो एक तरफ आप स्वामीनाथन जी को गलत साबित कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत रत्न दे रहे हैं। तो सरकार के जो निर्णय है, आप समझिए मीडिया के साथ विरोधाभास खुद में है, आप समझिए जिस व्यक्ति को आप भारत रत्न दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी वो उत्तम किस्म के व्यक्ति आपके महापुरुष रहे हैं, लेकिन उनके 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 द्वारा जो सिफारिश की गई है, जो वो उनको लागू करने में क्या दिक्कत है? आप छलावा कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अज्ञानी प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रवक्ता आए और मेरे साथ बैठे, आपने किसानों के हित में क्या किया? नरेंद्र मोदी जी को मैं खुली चुनौती देता हूँ, आए और मेरे साथ बैठे, जिनको ऑथराइज करें बैठने के लिए, बताएं कि किसान के हित में कोई एक बात जो किसानों को आप
आप तो मजदूर होते जा रहे हैं, किसान 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 रह गए हैं क्या? मजदूर की दैनिक जो आय है संविधान के अकॉर्डिंग वो है 300 रुपया से ऊपर, और किसानों की जो आय है दैनिक वो है 27 रुपया। ये हम नहीं, NCRB का डेटा कह रहा है, हम आंकड़ों से बात कर रहे हैं। और मोदी जी जैसे लोग तनाशा भारतीय जनता पार्टी के लोग NCRB पर भी के भी आंकड़ों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है लगातार। तो ये तमाम सारी बातों को बातें बहुत सारी है लेकर के हम लोग कल राजभवन मार्च हजारों की संख्या में करने जा रहे हैं, और अनवरत आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के द्वारा तब तक आंदोलन होगा जब तक किसानों के हित में फैसले नहीं लिए जाए। +50 जो फॉर्मूला है समर्थन संपूर्ण ये संपूर्ण लागत का 1.5 गुना, ये सिंपल है, इतनी सी बात छोटी सी बात कक्षा 5 के छात्रों को समझ में आता है और प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान ही प्रधानमंत्री के मालिक हो। तो कहते हैं कि भाई हम स्वयं भगवान हैं, भगवान का भी दर्जा स्वयं लेना चाहते हैं, इससे हास्यास्पद ये हम नहीं उनके बयानात बता रहे हैं। तो ये हालात है देश के। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।